वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में भले ही भारत ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया हो और उसका विरोध भी कर रहा हो, लेकिन उसके लिए अब राहत की खबर है। चीन की इस महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा बनने के लिए ब्रिटेन ने संकेत दिए हैं। साथ ही 1.34 अरब डॉलर यानी 8,600 करोड़ रुपए का व्यापार समझौता करने की भी तैयारी है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री फिलिप हैमंड ने शुक्रवार से चीन की यात्रा शुरू की है। व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए ब्रिटेन की चीन के साथ लंबे समय से वार्ता चल रही है। यूरोपीय यूनियन से संबंध तोड़ने का फैसला कर चुका ब्रिटेन खुद को विश्व व्यापार में नए सिरे से स्थापित करना चाह रहा है। ऐसे में वो चीन के साथ मिलकर सहयोग बढ़ा रहा है। चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग के साथ बैठक के बाद हैमंड ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को लेकर चीन के नजरिए से ब्रिटेन प्रभावित है और वो इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन को यूरोप से जोड़ना चाहते हैं। ऐसे में ब्रिटेन बड़ी भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री कचियांग ने कहा कि चीन के लोग ब्रिटेन और यूरोप की तरह ही विकसित होना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर हम ब्रिटेन और यूरोप के साथ बेहतर तरीके से जुड़ना चाहते हैं। हम चीन ब्रिटेन और चीन यूरोप संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन छोड़ने के बाद ब्रिटेन जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाह रहा है उनमें से चीन भी एक है। टीम इंडिलिंक्स।